वो पानी अंदर रह जाता है, बाहर से तो गेट बंद है तो यूरिन बाहर नहीं जा पाता, तो वो पानी अंदर रहने से फेफड़े में, स्किन के नीचे और मुख्तलिफ जगह पे इकट्ठा हो सकता। कोशिश कीजिए कि पानी का इस्तेमाल के बारे में अपने वालिद से डिस्कस करें। प्रिस्क्रिप्शन के साथ 2 से 3 लाइनों के अंदर फ्रूट, गोश्त, दालें, नमक, पानी, इनके बारे में जनरलाइज मोटी स्टेटमेंट दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्दे के मरीज जिनकी क्रिएटिनिन या यूरिया ख़राब है, वो खुराक में क्या इस्तेमाल करें? एक इंतहाई फ्रीक्वेंट सवाल है, अक्सर इसके बारे में बात की जाती है और इसका जवाब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने खुद बुकलेट इसके ऊपर लिखी हुई है, उसमें बहुत डिटेल लिखी, मेन्यूज़ बनाए, किस गज़ा के अंदर, किस फ्रूट के अंदर कितना पोटाशियम है, अंजीर में कैसा है, ड्राई फ्रूट में कैसा है, लेकिन उसकी डिटेल जो उनसी है वो कुछ इतनी ज़्यादा हो गई कि मुझे फीडबैक ये मिला कि वो भी लोगों के लिए कन्फ्यूजिंग है। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कि अपने प्रिस्क्रिप्शन के साथ 2 से 3 लाइनों के अंदर फ्रूट, गोश्त, दालें, नमक, पानी, इनके बारे में जनरलाइज मोटी स्टेटमेंट दे दूँ। वो बाज का सबसे आसान और इफ़ेक्टिव होता है और मरीज़ के लिए कन्फ्यूजन कम करने के लिए कुछ रहनुमा उसूल ही काफ़ी होते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल अक्सर लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा कन्फ्यूज करती है और जवाब नहीं मिलता। बावजूद इसके कुछ मरीज़ ज़्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं, तो उनके लिए वो डिटेल जो सी है वो भी कुछ अरसे में प्रिंट की सूरत के अंदर इंशाल्लाह आ जाएगी। और मैं कोशिश करूँगा कि ऑनलाइन की भी कोई वीडियो, कोई ब्लॉग ऐसा बना दिया जाए जहाँ पर उसे जाके आप देख सकते हैं। गुर्दे की खराबी GFR के मुताबिक स्टेज की जाती है। इसको 5 स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है। 1, 2, 3 ज़रा हल्की स्टेजेस हैं, 4 और 5 थोड़ी सी एडवांस स्टेजेस हैं। 1, 2 या 3 पहली 3 स्टेजेस के अंदर, जिसके अंदर अमूमी तौर पे क्रिएटिनिन जोन सा है वो आपका 2 से नीचे होता है, इसके अंदर खुराक की लिमिटेशंस कम हैं। मिसाल के अंदर सब्जियां तकरीबन सारी इस्तेमाल की जाती हैं। बताया जाता है कि पालक और साग का इस्तेमाल थोड़ा कम करें, लेकिन बाकी सब्जियों पे अमूमी तौर पे कोई बैन नहीं होता। और यहाँ पे मैं ये समझता हूँ, बहुत सारे लोगों ने बैंगन के बारे में, करेले के बारे में कुछ पढ़ा है, उसके बारे में इतना फॉस्फेट है, इतना यूरिक एसिड है। मैं ये कहूँगा कि थोड़ी देर के लिए सब भूल जाएं, चीज़ों को आसान रखने की कोशिश करें और ये समझ लें कि हर चीज़ में कुछ ना कुछ होगा, लेकिन हर चीज़ बैन नहीं है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी खुराक को लेकर चलना। तो इसके अंदर पालक या साग, ये 2 चीज़ें जो उनसे ये सब्ज़ी में ऑफ हैं, बाकी चीज़ें इस्तेमाल करें। रोटी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कभी कभार चावल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुगर अगर आपको नहीं है तो रोटी चावल के इस्तेमाल में गुर्दे के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चावल या रोटी के भी बेतहाशा इस्तेमाल से या ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से शुगर बिगड़ सकती है। इसके बाद गोश्त का इस्तेमाल मिनिमम रखना है। गोश्त का इस्तेमाल ज़्यादा करने से आपकी क्रिएटिनिन की रिपोर्ट बिगड़ सकती है। और इत्तदाल के साथ कभी कभार इस्तेमाल करने से होता ही है कि ज़रूरत भी पूरी रहती है और क्रिएटिनिन भी नहीं बिगड़ती। अब गोश्त का इस्तेमाल भी बाज़कात इस अर्ली स्टेजेस के अंदर दोधारी तलवार होता है। उसकी वजह ये कि अगर आप गोश्त बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करते तो उससे थोड़ी सी कमज़ोरी भी होती है, लेकिन दूसरी तरफ आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी रिपोर्ट भी ख़राब आ जाती है। आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो यूरिन में प्रोटीन भी हो सकता है ज़्यादा आ जाए, तो इस वजह से इसको लिमिटेड इस्तेमाल करना होता है। और हर इंसान के लिए उसके वज़न, उम्र, ज़रूरत के लिहाज से थोड़ा थोड़ा फ़र्क हो जाता है। फिर एडवांस स्टेज की बारी आ जाती है, जिसके अंदर क्रिएटिनिन अमूमी तौर पे 2 से ऊपर होता है, बाजकर 2.4 से ऊपर टू बी प्रिसाइज। लेकिन याद रखिए कि वज़न, उम्र के लिहाज से ये क्रिएटिनिन का मैं आसानी के लिए बता रहा हूँ, और असल में जो डिफरेंशिएशन होता है वो GFR की बुनियाद पर, जिसके अंदर 90 से ऊपर GFR स्टेज 1 है, 60 से 90 के दरमियान 2 है, फिर 30 से 60 के दरमियान 3 है,
और 15 से 30 के दरमियान स्टेज 4, और जब 15 से भी नीचे गुर्दा काम करना शुरू हो जाए, आप 15% कह लीजिए, तो फिर बात CKD5 पे आ जाती है और फिर कुछ अरसे में डायलिसिस पे भी जाना पड़ सकता है। सो स्टेज 4 और 5 के अंदर गोश्त के ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, नमक की एहतियात करनी पड़ती है, और ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फ्रूट की एक लिमिटेड क्वांटिटी करनी है, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करने से पोटाशियम बढ़ता, दूध के ज़्यादा इस्तेमाल करने से फॉस्फेट बढ़ता। तो दूध या दूध की प्रोडक्ट अमूमी तौर पे मैं एडवाइस करता हूँ कि आध पाओ से ज़्यादा ना करें, या बासका 200 ml से ऊपर ना हो। ये हर केस में थोड़ा सा इंडिविजुलाइज करना पड़ता है इसको। इस तरह फ्रूट को बिल्कुल ज़ीरो करने की बजाय मैं चाहता ये हूँ कि थोड़ा सा इस्तेमाल हो, ताकि लोग बिल्कुल डिप्रेशन में ही नहीं चले जाए। बाज लोग खुराक में इतनी ज़्यादा पाबंदियाँ लगा दी जाती हैं कि वो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि हम तो कुछ भी नहीं खाते। और एक और चीज़ भी जो मैंने ऑब्ज़र्व की है कि बाज लोग जो उनसे हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा एहतियात करते हैं, यानी वो सब्ज़ी भी उबाल के खाना शुरू कर देते हैं। इसकी कोई ज़रूरत नहीं। अगर ऑयल आपका अच्छा है, जैतून का ऑयल, जो कुकिंग जैतून का एक कुकिंग ऑयल भी होता है, एक्स्ट्रा वर्जिन कुकिंग ऑयल नहीं है, वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई और भी ऑयल जो आप अच्छा वाला है वो इस्तेमाल करें, और उसके अंदर सब्ज़ी पकी हुई है तो आप खाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ उस सूरत में आएगा कि अगर उसके अंदर गोश्त ज़्यादा होगा, नमक ज़्यादा हो गए, मसाले केमिकल वाले होंगे, तो उन चीज़ों का ख्याल रखें और बाकी लोगों के साथ खाएं। अपना नमक का जो सा है एडिशन, वो बाकियों से अलग कर दीजिए। नमक का ज़्यादा इस्तेमाल आपके लिए ठीक साबित नहीं होगा। पानी का इस्तेमाल जो सा है वो भी ज़्यादा नहीं करना होता। अमूमी तौर पर 90% केसेस के अंदर पाँव पे सोजिश होती है, चेहरे पे सोजिश होती है, और उसकी वजह से जिस्म जो सा है वो थोड़ा सा लागर भी हो सकता है। तो उसमें पानी का ज़्यादा इस्तेमाल उल्टा ख़राबी पैदा करता है, वो गुर्दे को बेहतर नहीं करता। वो पानी अंदर रह जाता है, बाहर से तो गेट बंद है तो यूरिन बाहर नहीं जा पाता, तो वो पानी अंदर रहने से फेफड़े में, स्किन के नीचे और मुख्तलिफ जगह पे इकट्ठा हो सकता है। कोशिश कीजिए कि पानी का इस्तेमाल के बारे में अपने वालिद से डिस्कस करें, और अगर आपको जिस्म पे सोजिश है तो जिस दिन के अंदर कम से कम पानी इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आपको यूरिन बहुत अच्छा आ रहा है तो फिर हो सकता है कि आप गुर्दे की उस किस्म की खराबी में हो जिसमें पानी का इस्तेमाल बढ़ाना पड़ता। और अगर आप आम इंसान हैं और आपके गुर्दे को कोई मसला नहीं है, आपको पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और उससे गुर्दे खराबी से बच जाते हैं। मैं ये बात कर रहा हूँ कि गुर्दे ख़राब हो चुके, अब उनके जिस्म से पानी नहीं निकल रहा, उनको भी कई लोग मशवरा दे देते हैं कि आप पानी ज़्यादा पिए, इस तरह गुर्दे ठीक हो जाएंगे। ऐसा नहीं, इस गलत फहमी से बाहर आई। मैंने सब्ज़ी में पालक साग का, गोश्त दालों का जिक्र किया, नमक का जिक्र कर दिया, पानी की लिमिटेशन का जिक्र कर दिया। दूध पी तो सकते हैं लेकिन लिमिटेड, फ्रूट इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन लिमिटेड। ये वो चंद रहनुमा असूल हैं जिनको आपने याद रखना है। इनकी डिटेल जो उनसी है, मैं कोशिश करूँगा अगर लोगों का इंटरेस्ट इस टॉपिक पर है तो ईच एक टॉपिक के ऊपर एक इंडिविजुअल वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, और इसके बारे में जो रिटर्न पंफलेट है वो कुछ अरसे में इंशाल्लाह जब छप जाएंगे तो वो भी आप लोगों से शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।